हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत सारे पोकेमोन होते हैं जिनके इवोल्यूशन होते हैं। पोकेमोन जैसे कि चाइजार्ड, उसके तीन तीन इवोल्यूशन है, यानी ये पहला है चार्मेंडर, फिर है चार्मिलियन, फिर है चाइजार्ड। ये जो इवोल्यूशन लाइन है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते। बट बहुत बार पोकेमोन इवोल्यूशन में मिस्टेक कर देते हैं पोकेमोन कंपनी वाले। सो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। मिस्टेक जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तरीके से एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे कि चाइजार्ड जो है वो आरसेस में इवोल्व आए, आपको अजीब लगेगा ना दोस्तों। कुछ ऐसे ही मिस्टेक पोकेमोन वर्ल्ड में है, इनके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ। बट इस बार जो मैं आपके लिए मिस्टेक लाया हूँ ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल की होने वाली है। इसमें लेजेंडरी पोकेमोन भी होंगे, नॉर्मल पोकेमोन भी होंगे, यानी कि दोस्तों आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसे मिस्टेक लाया हूँ, आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप बोलोगे ओ माई गॉड यार, ऐसी मिस्टेक तू लाता कहाँ से है? सो दोस्तों देखो, मिस्टेक जैसे कि यार रिक्वायर्ड का कोई भी इवोल्यूशन नहीं है, हम लोग ये जानते हैं। वो ना ही किसी पोकेमोन इवोल्व होता है, ना ही उसका कोई प्री स्टेज पोकेमोन है। बट कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ यार रिक्वायर्ड का जो पहला स्टेज है वो सेरी पेरियर पोकेमोन होता, बिल्कुल सेम पोकेमोन लगते हैं दोनों दिखने में। भले इनका टाइप सेम ना हो दोस्तों, बट इनका कलर बिल्कुल सेम है, दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल लगता है ना कि यार रिक्वायर्ड का तो कोई फर्स्ट स्टेज होगा तो सेरी पेरियर ही होगा। तो यस गाइज, कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जिनको सुनकर काफी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो यार बिना किसी देरी के हमारी शॉकिंग सी मिस्टेक वाली वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, बिकॉज ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, नंबर 10 पर जो पोकेमोन है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, उसको आप जरूर से जानते होंगे। वो शॉकिंग पोकेमोन भी है। वो पोकेमोन और कोई नहीं, वो है जूबेट, जो कि ब्रोक के पास भी था। इसका जो इवोल्यूशनरी लाइन है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है जूबेट, अच्छा पोकेमोन। उसका इवोल्यूशन है गोलबेट, वो भी अच्छा पोकेमोन है। बट उसका जो अगला इवोल्यूशन है वो है क्रोबेट, ये भी अच्छा है, सबसे बेस्ट है। बट कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूं कि जो इवोल्यूशनरी लाइन है बिल्कुल गलत है? आप बोलोगे कैसी बातें कर रहा है यार, ये इवोल्यूशन लाइन कैसे गलत हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे। कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ जूबेट का जो इवोल्यूशन है वो या गोलबेट नहीं बल्कि एरोडोक्टिल होगा? आप बोलोगे यार हाँ यार, कहीं ना कहीं तुम सही बोल रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे। एरोडोक्टिल और जूबेट में बहुत सारी कॉमन बातें हैं, जैसे कि इनके जो पंख है बिल्कुल सेम है। दूसरी बात, इनका कलर जो है कहीं ना कहीं सेम लगता है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और तीसरी बात ये है, ये दोनों पोकेमोन जो है वो बैट पोकेमोन है। और बहुत सारी थ्योरीज तो ऐसा बोलती है एरोडोक्टिल जो था वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते होते और यार टाइम के साथ चेंज होते होते वो जूबेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये तो दोस्तों यानी कि एरोडोक्टिल जो था वो एक्सटिंक्ट होकर जूबेट में ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत सारी थ्योरीज ऐसा बोलती है। सो गाइस या हम थ्योरीज को इग्नोर नहीं कर सकते। सो हाँ, ऐसा हो सकता है जूबेट का जो इवोल्यूशन है वो एरोडोक्टिल हो, या फिर एरोडोक्टिल एक्सटेंड होते होते जूबेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है पोकेमोन कंपनी वालों की, और ये आती है हमारी लिस्ट पे नंबर 10 पर। नंबर 9 पे जो मिस्टेक है इवोल्यूशन में वो है होंटर और वोल्ट्रॉप की मिस्टेक। अभी आप बोलोगे कैसी बातें कर रहा है यार, कहां वोल्ट्रॉप कहां होंटर? ना इनका कलर सेम, ना इनकी एबिलिटी सेम, ना दोनों एक ही एनिमल पे बेस्ट पोकेमोन है, ना इनका टाइप सेम, तो ये एक दूसरे के इवोल्यूशन कैसे हो सकते हैं? तो आपको बताता हूं कैसे। एक थ्योरी बोलती है कि होंटर जो पोकेमोन है वो यार पोकेबॉल को कंट्रोल करना चाह रहा था। आप यार पोकेबॉल उठा के देख लो और होंटर को उठा के देख लो, होंटर के आगे यार पोकेबॉल पे रख के देखो, बिल्कुल वोल्ट्रॉप जैसा लगेगा। सो यस दोस्तों, बहुत सारी थ्योरीज यही बोलती है कि यार होंटर जो था वो पोकेबॉल को कंट्रोल करना चाह रहा था, पर यार पोकेबॉल ने होंटर को कंट्रोल कर लिया और वो नया पोकेमोन बन गया जो कि है वोल्ट्रॉप। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होंटर का जो इवोल्यूशन है वो वोल्ट्रॉप हो सकता है, जो कि सच में काफी शॉकिंग बात है। इनकी आंखें बिल्कुल सेम है, जो कि दिखाती है यस दोस्तों ये एक मिस्टेक हो सकती है पोकेमोन कंपनी वालों की। इसको हम मिस्टेक से ज्यादा थ्योरी बोल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो मिस्टेक है या फिर जो थ्योरी है वो आती है नंबर 9 पर। नंबर 8 पे जो मिस्टेक है वो है मक के इवोल्यूशन की मिस्टेक। आपको पता ही होगा मक का जो इवोल्यूशन लाइन है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है ग्राइमर, फिर है मक। ये जो इसका इवोल्यूशन लाइन है बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल सा इवोल्यूशन है। आप बोलोगे इसमें क्या मिस्टेक है? बट दोस्तों कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूं क्या ग्राइमर का भी कोई पहला इवोल्यूशन है? आप बोलोगे कौन सा पोकेमोन? तो मैं उसका नेम लेने वाला हूं और वो है डिट्टो पोकेमोन। यस दोस्तों, बहुत सारी थ्योरीज ऐसा बोलती है और या मेरे देखने से भी ऐसा लग रहा है कि डिट्टो जो है वो ग्राइमर का इवोल्यूशन हो सकता था। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। डिट्टो जो पोकेमोन है और ग्राइमर जो पोकेमोन है दोनों कहीं ना कहीं पिंक कलर के लगते हैं, और या इनके जो कलर की जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल सेम है। दोनों बिल्कुल स्लाइम टाइप के पोकेमोन है, यानी कि जेली टाइप के पोकेमोन है, और दोनों बिल्कुल ऐसे लगते हैं साथ में दिखने में। आप भी दोस्तों इनको साथ में रखकर देख लो, पहला होगा डिट्टो, फिर होगा ग्राइमर, फिर होगा मग। तीनों का जो इवोल्यूशनरी स्टेज है वो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। फिर यह पोकेमोन कंपनी
ने डिटो को एक ऐसी एबिलिटी दे दी जो कि किसी पोकेमोन में चेंज हो सकता है। शायद से इसी वजह से पोकेमोन कंपनी वालों ने ग्राइमर का जो फर्स्ट फॉर्म है वो डिटो को नहीं रखा, डिटो को बिल्कुल एक सेपरेट पोकेमोन बना दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही हुआ होगा, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हमको कुछ ऐसे पोकेमोन देखने को मिलता, पहला डिटो फिर ग्राइमर और फिर मक। सो दैट्स व्हाई दोस्तों डिटो की जो मिस्टेक है वो आती है नंबर 8 पर, और नंबर 7 पर जो मिस्टेक है वो है क्लिफेबल की मिस्टेक। अभी आप लोगों के क्लिफेबल में क्या मिस्टेक है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सो दोस्तों देखो क्लिफेबल का जो इवोल्यूशन लाइन है वो कुछ इस प्रकार है, पहला है क्लिफा, फिर है क्लिफेरी, फिर है क्लिफेबल पोकेमोन। ये जो इवोल्यूशन लाइन है बिल्कुल सही है, बट कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ क्लिफेबल भी किसी और पोकेमोन में इवोल्व हो सकता है। अब बोलोगे कैसी बात कर रहा है यार, जल्दी नेम बता। तो वो जो पोकेमोन है वो और कोई नहीं, वो है गेंगार। आप बोलोगे कैसे यार, दोनों बिल्कुल अपोजिट पोकेमोन है, क्लिफेबल जो है फेरी पोकेमोन है, गेंगार जो है वो घोस्ट पोकेमोन है, ये सेम कैसे हो सकते हैं। तो पहली बात, इनकी जो बॉडी साइज है ना बिल्कुल सेम लगती है दिखने में, और यार इनके जो हाथ है सेम है, पाँव है सेम है, और इनके कान भी सेम है दोस्तों। और यार ऐसी स्टोरी आपने सुनी होगी क्लिफेबल जो है उसका शेडो जो पोकेमोन है वो गेंगार है। सो मेरे हिसाब से पोकेमोन कंपनी वालों का ये आइडिया होगा कि क्लिफेबल का कोई एक शेडो इवोल्यूशन निकालेंगे और वो और कोई नहीं गेंगार ही होगा। सो इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है और आपको भी ऐसा लगेगा क्लिफेबल का जो इवोल्यूशन है शेडो इवोल्यूशन वो गेंगार को कर देना चाहिए था, बिकॉज शेडो पोकेमोन डार्क ही होते हैं, घोस्टी होते हैं। सो दैट्स व्हाई क्लिफेबल का जो इवोल्यूशन है वो गेंगार को होना चाहिए था, बट पोकेमोन कंपनी वालों ने ऐसा किया नहीं। सो दैट्स व्हाई ये एक मिस्टेक है जो कि आती है हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर। और नंबर 7 पर जो मिस्टेक है वो है लेजेंडरी बीस्ट पोकेमोन की मिस्टेक, यानी कि एंटे, स्वीकून और राइकू की मिस्टेक। अभी आप बोलोगे कि यार लेजेंडरी पोकेमोन का तो कोई इवोल्यूशन होता ही नहीं है, तो ये मिस्टेक कैसी मिस्टेक है जल्दी बताओ। सो दोस्तों देखो इसकी जो मिस्टेक है वो कुछ इस प्रकार है, ये जो पोकेमोन है असल में ये पोकेमोन है ही नहीं, ये पहले पोकेमोन कुछ और ही थे, यानी कि इनका जो प्री स्टेज था वो बिल्कुल अलग था। तो बहुत सारी थ्योरीज ऐसा बोलती है कि एंटे का जो फर्स्ट फॉर्म है वो यार फ्लेरियन हो सकता है, बिकॉज इनका कलर बिल्कुल सेम, टाइप बिल्कुल सेम, और यहाँ तक कि इनका जो नेचर है ना वो भी बिल्कुल सेम है। तो दैट्स व्हाई एंटे का जो फर्स्ट फॉर्म है वो यार फ्लेरियन है। फिर जो अगला पोकेमोन है वो है स्वीकून, स्वीकून का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है वेपोरियन, इनका जो है कलर भी सेम है, टाइप भी सेम है, एबिलिटी भी सेम है। सो दैट्स व्हाई वेपोरियन का जो इवोल्यूशन है वो यार स्वीकून हो सकता है। फिर जो अगला पोकेमोन है वो यार राइकू पोकेमोन है, राइकू का फर्स्ट फॉर्म यार जोल्टियन हो सकता है, ऐसी थ्योरीज बोलती है, बिकॉज इनका भी कलर सेम है, टाइप भी सेम है। सो दैट्स व्हाई दोस्तों लेजेंडरी बीस्ट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो ईवी के इवोल्यूशन हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी थ्योरीज बोलती है। सो दैट्स व्हाई ये जो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है दोस्तों, ये जो थ्योरी है ना वो आती है हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर। नंबर 5 पे जो मिस्टेक है वो सच में एक मिस्टेक है, और वो है क्यूबोन एंड केंगसकान बेबी पोकेमोन का कनेक्शन। सो यस दोस्तों आपको ये बात पता ही होगी यार क्यूबोन जो पोकेमोन है उसका फेस अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है, बट बहुत सारी थ्योरीज ये बोलती है कि केंगसकान का जो बेबी पोकेमोन है उन केंगसकान की मॉम जब यार इस दुनिया में नहीं रहती है उनका जो स्केलेटन होता है ना वो पहनकर वो क्यूबोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप ही सोचो दोस्तों ये जो थ्योरी है वो कितनी ज़्यादा डार्क है, बट हाँ देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। मेरे हिसाब से डार्क थ्योरी होने की वजह से इस आइडिया को बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया होगा, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यार केंगसकान का बेबी जो पोकेमोन है वो इवोल्व होता है क्यूबोन में, और ये थ्योरी जो है ये जो मिस्टेक है वो आती है हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर। फिर दोस्तों नंबर 4 पर जो मिस्टेक आती है वो आर्गेनाइन इवोल्यूशन की मिस्टेक। अभी आप बोलोगे आर्गेनाइन में क्या मिस्टेक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या। आर्गेनाइन का जो इवोल्यूशन लाइन है वो कुछ इस प्रकार है, पहला है ग्राउलेट पोकेमोन, फिर है आर्गेनाइन। बट कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ ग्राउलेट का भी कोई फर्स्ट फॉर्म है और वो पोकेमोन और कोई नहीं लिलीपू पोकेमोन हो सकता है, बिकॉज दोस्तों आप इनको साथ में रख के देख लो, पहला लिलीपू फिर ग्राउलेट फिर आर्गेनाइन, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, कलर भी सेम है। सो इसी वजह से दोस्तों यार आर्गेनाइन का जो फर्स्ट फॉर्म है पहले ही पहला फॉर्म वो लिलीपू हो सकता है, और दोस्तों इसी वजह से ये मुझे मिस्टेक लगती है और ये आती है हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर। सो दोस्तों नंबर 3 पे जो पोकेमोन है ना वो और कोई नहीं, वो है डॉनफेन पोकेमोन। डॉनफेन में ये मिस्टेक है, उसका जो इवोल्यूशन लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेज पोकेमोन है, यानी कि दोस्तों देखो पहला पोकेमोन है फेनफी, फिर है डॉनफेन। बट कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूं डॉनफेन से भी आगे कोई इवोल्यूशन होने वाला था और वो पोकेमोन रियल लाइफ में मौजूद है। अब बोलोगे बताओ यार वो कौन सा पोकेमोन है, वो पोकेमोन और कोई नहीं, वो पोकेमोन है कोबराजर पोकेमोन। बिकॉज दोस्तों कोबराजर और डॉनफेन में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, यानी कि दोस्तों देखो कोबराजर और डॉनफेन दोनों एलिफेंट पोकेमोन है, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं और दोनों पोकेमोन एक जैसे पावरफुल है। तो दैट्स व्हाई डॉनफेन का जो इवोल्यूशन है वो कोबराजर को होना था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। तो दैट्स व्हाई ये जो मिस्टेक है वो आती है नंबर 3 पर। नंबर 2 पर जो मिस्टेक है वो है लेटियोस एंड लेटियास मिस्टेक। इसमें ऐसी मिस्टेक नहीं होने वाली कि लेटियोस को लेटियास का इवोल्यूशन होना चाहिए था या फिर लेटियास को इवोल्यूशन होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, बल्कि एक अलग ही पोकेमोन है जिनको इनका फर्स्ट स्टेज पोकेमोन होना चाहिए था, वो पोकेमोन और कोई नहीं, वो है टोगेकिस पोकेमोन। अब बोलोगे कैसी बातें कर रहा है, कहाँ टोगेकिस कहाँ लेटियोस और लेटियास, बताता हूँ मैं इनमें क्या सेम बात है। इनमें जो सेम बात है वो कुछ इस
प्रकार है। पहला जो पोकेमोन है टोगेकिस, उसके ऊपर पैटर्न देखो यार, वो रेड एंड ब्लू कलर के पैटर्न है, और ये जो पैटर्न है ना सिर्फ और सिर्फ लेटियोस एंड लेटियास में पाए जाते हैं, जो कि पहला साइन है कि इनका फर्स्ट फॉर्म को टोगेकिस को रखना चाहिए था। दूसरी बात, ये जो पोकेमोन है टोगेकिस और लेटियोस और लेटियास, तीनों पोकेमोन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं दिखने में, तो दैट्स व्हाई यार ये थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा वायल्ड होती है। और ये जो मिस्टेक है ना वो आती है नंबर टू पर। नंबर वन वाली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा भयानक है, वो है रेक्वाजा वाली भयानक मिस्टेक। यानी दोस्तों रेक्वाजा का कोई भी इवोल्यूशन नहीं है, बस उसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेरीपेयर को रखना था, बिकॉज सेरीपेयर और रेक्वाजा दोनों स्नेक टाइप पोकेमोन है, दोनों ग्रीन कलर के पोकेमोन है, और दोनों पोकेमोन की जो पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, बट रेक्वाजा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। बट मेरे हिसाब से अगर रेक्वाजा का कोई फर्स्ट फॉर्म रखना चाहिए था तो उनको यार सेरीपेयर को रखना चाहिए था, बिकॉज दोस्तों यार सेरीपेयर और रेक्वाजा दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं दिखने में, यानी कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं लगा सकता कोई भी। यानी कि आप किसी से भी पूछ लो, यानी दोस्तों आप किसी भी नॉन पोकेमोन फैन से पूछोगे कि सेरीपेयर जो है वो रेक्वाजा का इवोल्यूशन लगता है, वो जरूर से हाँ बोलेगा। आप ये बात को ट्राई करके देख लेना। सो दैट्स व्हाई दोस्तों नंबर वन पे जो मिस्टेक आती है वो है रेक्वाजा एंड सेरीपेयर की मिस्टेक। आपको सबसे बेस्ट मिस्टेक कौन सी लगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पोकेमोन का आंसर दो, एंड बाय बाय।